हेलो दोस्तों, हमने आज गोभी निकाले हैं और ये क्यारी है जिसमें कि टमाटर लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है, गोभी भी लगा हुआ था। तो गोभी हमने आज निकाल दिया है, सारा डंडी निकाल दिए हैं। अब दूसरी पौध हमने लाया है, पौध तैयार कर रखे थे, वो अब हम इसमें लगा रहे हैं क्योंकि अभी दिसंबर का लास्ट महीना है। तो अभी अगर लगा देंगे हम तो लगभग ये मार्च में गोभी मिल जाएगा खाने को। देखिए हमने पौध वौध सब निकाल लिए, ले आए हैं और अब लगा रहे हैं। अब लगाना शुरू करते हैं। हम कुछ क्यारी पूरा तैयार है, देखिए बिल्कुल क्यारी तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास मिट्टी बन गया, एकदम एकदम बारीक मिट्टी है। अब इसको हम क्यारी में, इसी में मूली भी है, टमाटर है और लौकी भी लगा हुआ है। लौकी के बतिया है, लौकी भी आया हुआ है, देखिए लौकी फूल बतिया सब है। लौकी अभी छोटा सा पेड़ है, दिसंबर का महीना है, दिसंबर में भी लौकी लगे, हमने ये नवंबर में लगा दिए थे तो अभी दिसंबर में बतिया आ रहा है। अब इसमें भी हम गोभी अब दोबारा फिर लगा रहे हैं, एक बार लगाए थे तो काट लिए हैं और ये दोबारा गोभी लगा रहे हैं। पौध हमने तैयार कर रखा था तो हम सीजन में दो बार तीन बार गोभी हम ले सकते हैं। जैसे कि एक अगस्त अगस्त में लगा दें तो नवंबर से आपको गोभी मिल जाएगा, और ये हम नवंबर से लेकर अभी दिसंबर तक की गोभी इसमें के क्यारी में के चला है, अब ख़त्म हो गया है। तो हम दोबारा अब लगा रहे हैं ताकि ये मार्च में हमको मिलेगा, मार्च में ये गोभी तैयार हो जाएगा। फिर गर्मी पड़ जाता है, फिर गर्मी के हम सब्जियां लगा सकते हैं क्यारियों में। तो दोस्तों थोड़ा क्यारी व्यारी बढ़िया से बना करके खाद वाद डाल के, और गोबर की खाद मिल जाए, गोबर की खाद डाली तो ज़्यादा ही अच्छा होगा क्योंकि गोबर की हमने पूरा ऑर्गेनिक उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी। हम हालांकि काम करते हैं कहीं, लेकिन हमने जगह जगह सब्जियां की, फल फूलों की अच्छे गार्डनिंग किए हुए हैं और सब्जी तो हर एक तरह की सब्जियां भी लगा देते हैं। तो आप ज़रूर लगाएं क्योंकि इसको बहुत ऐसी नहीं, खाली बीज बढ़िया हो, हाईब्रिड का बीज ले, हाईब्रिड का बीज ले करके और फिर गोबर की खाद अच्छे से मिला कर तैयार करके फिर लगाएं, बहुत बढ़िया सब्जियां निकलेगा आपको। और क्यारी में हमने लगा भी रखे हैं, गोभी आ भी रही है, कुछ बड़ी भी है। तो इस तरह से हम आपको हम बताएंगे, बता रहे हैं कि साल में हम दो तीन बार गोभी ले लेते हैं इस सीज़न में, सर्दियों के महीने में दो तीन बार गोभी सीजन सीजन में ले लेते हैं। तो ये हमने लगा दिए पूरा, इसमें हमने पूरा क्यारी में लगा दिए हैं, ये मार्च में मिल जाएगा। इसको ऊपर टमाटर है, नीचे मूली है और उसके आगे हमने गोभी लगा दी है, फूल गोभी है और मूली भी आ रहा है, बहुत बढ़िया मूली भी, मूली सब सब में आ रहा है मूली। देखें मूली, देखिए मूली कितनी मोटी मोटी मूली है, और इसके पीछे टमाटर। अलग क्यारी ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ फुट का, डेढ़ पौने दो फुट का क्यारी है और ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें घिया भी है। और इधर अभी इस क्यारी दूसरी क्यारी में से गोभी निकाले हैं, ये हमने पौधा भी बचा हुआ है इसके बीच बीच में निकाले हैं गोभी कुछ, अभी गोभी है ही लगा हुआ है इसमें, गोभी लगा हुआ है अभी। देखिए जगह जगह खाली किए हैं, इसके पीछे भी टमाटर है, इसके पीछे टमाटर। ये क्यारी है लगभग 15-16 इंच का क्यारी है, इसी में हमने टमाटर भी लगा रखे पीछे और गोभी भी है। तो इसमें से कुछ गोभी निकल गया है और गोभी ये पौध बचा हुआ है, पौध हमने तैयार किए हुए हैं तो ये हम और लगा देते हैं इसमें, ताकि क्यारी को खाली नहीं छोड़ना है। क्यारी को खाली छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम यूज करते रहें, इसमें लगाते रहें ताकि ये डोर में हमें मिलता रहे। तो देखिए हमने पौध पूरा कर लिए हैं, बाकी
एक अभी थोड़ा छोटा है तो इसको हम बाद में लगा लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमने ये भी क्यारी तैयार है पूरा मिट्टी, सिर्फ थोड़ा सा गहरा कर देते हैं ताकि पता चले कि छोटी पौध कहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि गुराई उराई करने में अभी बड़ा गोभी है तो नहीं दिखेगा, ऐसे हमको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा होने में करीब 15 दिन लग जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा गहरा अति करके ताकि मिट्टी भी चराने के बाद में मिट्टी भी चराना होता है इसमें, तो मिट्टी चराने के टाइम में सही रहेगा, थोड़ा गड्ढा रहेगा, तो वो बड़ा क्यारी था इसलिए उसमें हमने ये नहीं किया था, इसमें थोड़ा गड्ढा कर करके लगा रहे हैं। तो देखिए एक गोभी तैयार बन रहा है, एक तैयार है, तीसरा लगा रहे हैं, सीजन में 3 बार तो कम से कम गोभी निकाल लेते हैं, गोभी हो ब्रोकली हो मूली पालक धनिया ये सब बैंगन सब लगा सकते हैं, टमाटर अभी टमाटर भी लगाएंगे जो कि मार्च अप्रैल में टमाटर मिलेगा, ये टमाटर तो फूल पे है, फूल पत्तिया पर है, फल भी है, ये टमाटर आपको फरवरी अभी जनवरी फरवरी में मिल जाएंगे, लेकिन जो मार्च अप्रैल में मिलेगा वो अब लगाएंगे। इसको कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे गड्ढे करके लगाती है ताकि मिट्टी चढ़ाने में आसान हो, ज़्यादा ऊपर लगाने से फिर जड़ ऊपर रह जाता है, इसको नीचे लगाएं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिए।